इसे जोश के नाल अस गीत गा के प्रभु यीशु की स्तुति ते आराधना करांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ उठा के जोश से नाल उठाए, हाथ उठा के, हाथ उठा के जोश से शक्ति ना नाच रहे, दोनों हाथ उठा के नाच रहे, पैर हिला के हाथ उठा के नाच रहे, छाल मारते हैं। यीशु गावा हमद तेरी, नाच नाच के नाच रहा है, गावा नाच नाच के, यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नाच नाच के, यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नाच नाच के, यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नाच नाच के, नाच रहा है। मेरे शाफी खुदाया तेरी सना मैं गावा, मेरे शाफी खुदाया तेरी सना मैं गावा, मैं हाथ उठाए जीसस चलो, यीशु गावा हम तेरी, मैं गावा नच नच के, नच रहे नच रहे, यीशु गावा हम तेरी, मैं गावा नच नच के, शक्ति ना प्रभु स्तुति कर रहे, नाच रहे प्रभु स्तुति करिए, बढ़ाई करिए प्रभु की महिमा करिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करिए। हे प्रभु आज मैंने छू लो, आज मैंने चंगा करो, आज मेरे ते दया करो, मेरे ते तर्स करो, मैंने अपनी आत्मा पर हाथ उठा के जोश ना, दोनों हाथ उठाइए, मेरे मन विच तू वसिया जिंदगी दा राह दस्या, मेरे मन विच तू वसिया जिंदगी दा राह दस्या, मेरे मन विच तू वसिया जिंदगी दा राह दस्या, मेरे मन विच तू वसिया जिंदगी दा राह दस्या, हाथ उठा के जीसस शुरू गुना दे मैनू आड़ के तू चुके, मैं गावा नच नच के, ये जिंदगी यीशु तेरी, मैं गावा नच नच के, नच रहा है नच रहा है, हाथ उठा के पूरी शक्ति नाल जोश नाल प्रभु की महिमा करिए, बढ़ाई करिए, यीशु की आराधना करिए, यीशु को पुकारिए। यीशु साडे लागे खड़े होके सानू छूंदे है, यीशु सानू चंगा कर दे, यीशु साडी बीमारी नू उठांदे है, पूरी शक्ति ना प्रवेश सिद्ध कर दे है, महिमा कर दे है, अपने आप नू प्रवेश हाथों समर्पित कर दे है। हे प्रवेश आज मेरे ते ध्यान रे मेरे शुला दूर किनारा तेरे बाज ना कोई सहारा, ओका पेंदा दूर किनारा तेरे बाजो कोई सहारा, ओका दूर किनारा तेरे बाज ना कोई सहारा, ओका पेंदा दूर किनारा तेरे बाज ना कोई सहारा, जीसस शुलो जीसस बाकी झूठा है जग सारा, ओ तेरा प्यार यीशु तेरी, एहो गावा नच नच के, एहो जिंदगी यीशु तेरी, मैं गावा नच नच के, नच रहे मेरे शाफी खुदाया तेरी
सुगावा भक्ति तेरी बैगावा नच नच के सुगावा भक्ति तेरी बैगावा नच नच के हे प्रभु आज मैंने छोला प्यारे सु मेरी बीमारी वाल देखो मेरी परेशानी वाल देखो मेरे दुख वाल देखो मेरी जिंदगी की रुकावट वाल देखो आज मैंने शुभ कह चंगा करो आज मेरे ते दिया करो मेरे परिवार ते दिया करो सारे मिलके जोश ना शक्ति ना हाथ उठा के खा दे तूफाना विच मैनू यीशु आण बचाया मैनू यीशु आण बचाया दुखां दे तूफानां विच मैनू यीशु आण बचाया जीसा छोला अंधेरे यीशु चानण बन के आया ओ विच जिंदगी दे अंधेरे यीशु चानण बन के आया जीसा दुनिया दा राजा है तू एहो गावा नच नच के दुनिया दा राजा है तू एहो गावा नच नच के नच रहा है शाफी खुदाया तेरी सदा मैं गावा ओ मेरे शाफी खुदाया पूरी शक्ति ना ऐश ने महिमा करता है ऐश ने विदाई करता है ऐश ने शक्ति ने महसूस करता है ऐश मेरे लागे खड़े है ऐश ने दर्शन करता है ऐश मैंने छू दे ऐश मैंने चंगा कर दे ऐश मेरी बीमारी उठा दे ऐश मेरे ते त्याग कर दे ऐश मैंने चंगा कर दे ऐश मैंने आजाद कर दे सारे मिलके जोश ना शक्ति ना नाच रहे हैं हे प्रभु आज मैंने छू लो आज मैंने छू लो पैर रेसो मैंने शक्ति दो मैंने बरकत दो बल दो पावर दो सारे मिलके जोश ना यीशु जदो आया नू मुस्काया 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 मेरे दिल जा उठिया जीसा छुले नच 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 यीशु ने मैं बोले आ नच 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 यीशु ने मैं बोले आ नच 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 यीशु ने नच यीशु ने नच 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 यीशु ने हाथ उड़ाइए हालेलुया ए परिवार कल मैं तुहानू दस्या सी राजस्थान सी दा जड़ा परिवार है देखो परमेश्वर ने कड़ी कड़ी परेशानी तो सानू छुटकारा दे रहे अज विश्वास नाल तुसी प्रार्थना करना अज दी वचन दी शक्ति जेकर आपां ईमानदारी नाल तुरेगा पवित्र आत्मा दी अभिषेक नाल आपां इत्थों जाणा है हालेलुया हालेलुया अज पवित्र आत्मा दा अभिषेक दा दिन वी है नाल मैं एक शब्द तुहानू दसना चाहुंदे आं मैं पहली गल खुदा दा धन्यवाद करते आं दो दिन परमेश्वर ने सानू चंगा मौसम दिता है हालेलुया हालेलुया इहदा मतलब की है परमेश्वर यीशु साढ़े नाल है खुदा का धन्यवाद करते हैं खुदा ने सानू चंगा मौसम दिता है हालेलुया हालेलुया दूसरी गल मैं फादर जी का फादर जोसफ मंडलंबर का बहुत बहुत धन्यवाद ही हाँ परमेश्वर ने फादर जी द्वारा सानू इस जगह विच कर लिया है जड़ा बड़ा साड़ा बड़ा ध्यान रखता सी जड़ा सिस्टर लोग इतने रिंदा सी सिस्टर बच्चों का
आज सवेरे सिस्टरां नूं कहिंदा सी सिस्टर जी आप लोग बड़ा ध्यान बच्चों का रखिया है, मैं तुहाडा भी सारियां दा बहुत चंगे लोग है आप लोग, मेरा मन भी लग्या अज सिर ते हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए, थोड़े लिए तेल दे नाल अभिषेक करने के लिए मेरा मन अज लग्या। हालेलुया 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 हालेलुया। नाल मेरी रूह खुशे काफी प्रावा ने अज मैनू दसिया मैं नशा चढ़ दिता है, शराब चढ़ दिता, पीछे मुड़ के नहीं देखना, कम खराब हो जाएगा, लूण का खंबा बेकार इंसान बन जाएगा जिसने चढ़ के फिर दोबारा पीना शुरू करेगा, जिसने नशा चढ़ के दोबारा नशा करना शुरू करेगा बेकार इंसान बन जाएगा। हालेलुया हालेलुया। भले असी एक गवाही सुनूंगा, देखो परमेश्वर ने किस तरह हरेक नु छू रहे सानू आशीष दे रहे। हालेलुया हालेलुया। थोड़ी उच्ची बोलो हालेलुया हालेलुया। इत्थे हाजर सारयां नू मेरे वालों यीशु जी मेरी जिंदगी दी बहुत वड्डी गवाही आ। मेरा बेटा जिस टाइम मैं मतलब कि मेरा बेबी कंसीव होया सी ते 3-4 मंथ मतलब सीगे ते उस टाइम मैं ना बहुत बीमार हो गई, इन्नी ज़्यादा बीमार हुई कि डॉक्टर ने मैनू कहा सी कि मतलब कि तुसी ना अबॉर्शन करवाओ, तुहाडा बच्चे दा मतलब कि ठीक नहीं है। इस तरह मैनू बड़ी प्रॉब्लम होंदी रही, ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, डॉक्टर बैड रेस्ट भी बहुत ज़्यादा मतलब कि मैनू डॉक्टरों को लैके होस्पिटल जाते रहे पर मैनू प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वधी जाती सी ते डॉक्टर कहिंदे सीगे कि तुसी ना मतलब कि अबॉर्शन करवा दो ते मतलब कि साढ़े घर तो बहुत ज़्यादा प्रभु दे विच सी ते और मेरे नानी जी सी जो कहिंदे सीगे कि कोई नहीं आप प्रभु नूं विश्वास करके मनते हाँ तो सानू प्रभु जरूर मेरे बच्चे ठीक करेगा। तो उस दिन मैं जो बहुत प्रॉब्लम च सी तो उस टाइम ना फादर जी लुधियाना दे विच सीगे ते इन्हां दी ना फादर जी दी कन्वेंशन सी इत्थे कन्वेंशन सीगी उत्थे एक पलथ दे पिंड दे विच उत्थे मेरे ब्रदर जी आ उत्थे कन्वेंशन सी। कन्वेंशन दे विच मैं मतलब कि मेरे ब्रदर ने जाके फादर जी नूं कहा कि फादर जी मेरी सिस्टर बड़ी तंग आ, डॉक्टर कह रहे हैं कि तुसीं इहदा अबॉर्शन करवा लो ते बच्चे दे ना डॉक्टर ने दस्या हैगा कि मतलब बच्चे का ना एक हार्ट का हिस्सा नहीं है, बच्चे का एक मतलब कि वो हाथ पै अंग नहीं है जड़े वो नहीं बन रहे हैं, तुसी यह जो बच्चे की करोगे। तो उन्होंने फादर जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पर फादर जी ने सानू ट्रस्ट कर दिता, फादर जी ने कहा कि तुसी प्रार्थना करो तो ये बच्चे कुछ नहीं होगा, बच्चे के सारे हाथ पैर भी पूरे हैं, बच्चे का हार्ट का हिस्सा भी पूरा है। पर जी जो मैं बहुत प्रॉब्लम सी तो डॉक्टर सानू कहिंदे सीगे कि नहीं नहीं तुम इस तरह ही बीमार हो रहे हो तो मतलब कि बच्चे तुम की करोगे वह वेखो अल्ट्रासाउंड सीगिया वो दसते थे वेखो आ मशीन चाह रहा सारा कुछ आ रहा बच्चे का हार नहीं है, वो बच्चे के अंग पैर नहीं बन डे 5-6 महीने हो गए ये तुम कुछ नज़र नहीं आ रहा तुम की करोगे बच्चे। पर नहीं साढ़े फादर जी ने प्रार्थना की, फादर जी ने विश्वास दिता कि नहीं तुसी प्रार्थना करते हो विश्वास करते हो। असी क्या हाँ जी, फादर जी ने कहा कि मैनू पता आ कि ताडे बच्चे दे अंग पैर पूरे बनेंगे और ताडे घर एक बेटा पैदा होगा। तो सचमुच फादर जी की प्रार्थना अनुसार मेरे घर एक बेटा पैदा होया, वेखो एडा वड्डा हो गया आ, उन्हें कोई प्रभु की कृपा नाल कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। मैं बड़ा बड़ा फादर जी का भी धन्यवाद करती हाँ, प्रभु का भी धन्यवाद करती हाँ। यीशु दुड़ियाई करिए हालेलुया हालेलुया। हमें कहते यीशु ना भूलो, अपनी जिंदगी परमेश्वर याद करो। हालेलुया हालेलुया। डॉक्टर ने दसिया हार्ट अदा है, हाथ बैर नहीं है। मैं तुहानू कल भी दसिया जो मैं प्रार्थना कर रहा सी मैं देखा इहदा हार्ट पूरा ठीक है, हाथ बैर भी ठीक है, नाल नॉर्मल भी होना है। फिर दोबारा मैनू लगता है चेकअप करके फिर आके रोके आ गया। मैं कहते भैन जी मैं और कुछ नहीं दसना पर खुदा ने मैनू दिखाया आप टेंशन मत लेना। देखो किन्ने जवान मुंडा हो गया, यीशु ने आज अपनी आत्मा की शक्ति नाल हर एक नु भरना। सारे हाथ उड़ाइए हालेलुया हालेलुया। असि पवित्र आत्मा का भजन गा के परमेश्वर जोड़िया करना। सारे हाथ उड़ाइए पाकरु खुदा वंदिया
पाक रू खुदा वंदेया 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 हाथ उड़ा गई मेरे मन मेरे दिल विच आ ए दिल अपनी है कल्पना मेरे मन मेरे दिल विच आ ए दिल अपनी है कल्पना मेरे मन मेरे दिल विच आ ए दिल अपनी है कल्पना मेरे मन मेरे दिल विच आ ए दिल खुदा बंदिया पाक रू खुदा बंदिया पाक रू खुदा बंदिया पाक रू खुदा बंदिया रुआ 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 पाक रू खुदा हालेलुया उद्भुत ग्रंथ विचो प्रभु दी आत्मा प्रभु दा वचन है उदे दो बाती सत्त ए तो असी परमेश्वर दा वचन पढ़ने के लिए जा रहे हालेलुया हालेलुया खुदा दा वचन के परमेश्वर ने आदमी अते की कीता आदमी नु मिट्टी तो बना के वचन के कहंदा उना दे नासा विच जीवन दा सापुक दिता हालेलुया हालेलुया खुदा दा वचन है जो परमेश्वर ने इंसान मिट्टी तो बनाया है फिर के किता परमेश्वर ने उन्हों जान मिलने के लिए उन्होंने नासा में जीवन का सापुक दिता ता वजन के कहता है इंसान जीवन दी प्राणी बन गई हालेलुया हालेलुया थोड़ी उच्ची बोलो हालेलुया हालेलुया देखो जो प्रभु की आत्मा कम करना शुरू हो गया वजन कहता है जो परमेश्वर ने इंसान नु बनाया अते उन्हां दा नासा विच जीवन दा सा पुक दिता जीवन दी प्राणी बन गया योगना दी अंजील उहदे 19 बाधी सॉरी उहदे 20 बाधी 19 तो असीं प्रभु दा वचन पढ़दे हां संत योगना दी अंजील उहदे 20 बाधी 19 तो देखो प्रभु दा वचन के जदों खुदा ने चेले नु आख्या तुसीं बाहर नहीं जाना प्रार्थना करते ही रहो पर यीशु मुर्दिया में जी उठ गए उन्होंने विचार जाके यीशु ने किया क्या किया कि उन्होंने जीवन का सा फूकिया फिर आख्या तू पवित्र आत्मा लवो हालेलुया हालेलुया जो इंसान मिट्टी तो बनाया उन्होंने जीवन का सा फूक दिता जीवन वचन ध्यान सुनो जीवन आ गया दुबारा उहदे विच आत्मा का जीवन आने के लिए वचन की कहता है यीशु ने आख्या तो इधर उधर नहीं तुरना है प्रार्थना के लगन विच बैठो परमेश्वर की आत्मा तुहाड़े विच काम करेगा अते मुर्दिया में जी उड़ के परमेश्वर ने की कर दिता उन्हां दा नासा विच जीवन का साफ हो गया ही खुदा यीशु मसीह ने की किया है उन्हां दे उत्ते जीवन का साफ हो गया आख्या तू पवित्र आत्मा लो हालेलुया हालेलुया देखो जीवन आने के लिए परमेश्वर ने मिट्टी विचो जीवन पवित्र आत्मा जीवन दा सा पाया है था इंसान दा नाम आदमी आदम नाम लिखा आत्मा पाके परमेश्वर ने फिर जदों मुर्दियां विचों जी उठ के चेले दे उते
अपने आत्मा भूख के आ गया तू पवित्र आत्मा लेवो हल्लेलुया हल्लेलुया हाथ उड़ाइए हल्लेलुया हल्लेलुया आज मैं भी तुआन कहना है परमेश्वर दी आत्मा आज तुआड़े उते कम करेगा जदो असी पूरा विश्वास नाल आज इत्ते बैठ के प्रार्थना करेगा जिस तरह मिट्टी विच जीवन आके इस तरह द्वारा परमेश्वर ने डर नू दूर करन वास्ते पवित्र जीवन गुजारने के लिए खुदा दे मगर तुरने के लिए खुदा ने भी कर दिता उन्हां दे विच जीवन दा सांप पू किया है ता वो इंसान जीवन दी प्राणी बन गया अते पवित्र आत्मा दी शक्ति उन्हां दे उत्ते आ गई हालेलुया 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 देखो अज तुसी भी प्रार्थना करने ए प्रभु यीशु जो आत्मा तुसी चेले दे उत्ते कलिया ओही आत्मा अज मेरे विच कल दो तां जो मैं अपने परिवार के जीवन नू बदलना है परिवार के जीवन जिस तरह योहन्ना दी अंजील उदे 14 वादी 15 ये तो असीं पढ़ते हैं प्रभु ने किया गया मैं तुहाड़े उत्ते मददगार कलना है ओ क्यों कलना मददगार पवित्र आत्मा तां जो तुसी खुदा दे वचन उत्ते तुर सकन हालेलुया हालेलुया असीं सोचते हां अज कई लोग मेरे कहते फार जी मेरे तो प्रार्थना नहीं हुंदा है मैं कहते मददगार यानी पवित्र आत्मा आएगा तुसी प्रार्थना कर सकता है कई प्राव मेनू अज कहता सी बहुत वारी शराब चढ़ दिता फिर दोबारा शराब पीना शुरू हो गया मैनू बड़ा औखा है शराब के बिना ज नशे के बिना रहना बड़ा औखा है पवित्र आत्मा दे लिए अज प्रार्थना करो जो पवित्र आत्मा आएगा शराब का बिना रहने के लिए परमेश्वर तुहानू शक्ति देना हालेलुया हालेलुया सो इसलिए आज तुसी प्रार्थना करो यीशु मेरे उत्ते अपनी आत्मा दी शक्ति कर दो तां जो मैं शराब चढ़ सकन नशा चढ़ सकन मैं खुदा दे नाल तुर सकन यीशु दे नाल मैं तुर सकन हालेलुया हालेलुया दूजा राजा भजन खोल दो सारे उदे 4 बाद दी पगले तो असीं पढ़ते हैं जदों असीं खुदा दी सेवा करेगा आत्मा साड़े उते कम करेगा हालेलुया हालेलुया सो दूजा राजा उदे 4 बाद दी पहले तो आज तो लेके कोई ना कोई तरीके नाल की करना है खुदा दी सेवा करना शुरू कर हालेलुया हालेलुया तां जो वचन की कहंदा है जेकर आपा परमेश्वर दे खुदा दी सेवा विच लगे रहेगा खुदा अपनी आत्मा दी शक्ति तुहाडे उते कलना जिस तरह सामोल मंदिर विच सुते पिया सी प्रभु दी आत्मा दी शक्ति आ गई सामोल नूं बुलाया सामोल 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 उठ के एली कोल गया फिर सामोल नूं बोला तू जाके सो गया मैं तेनू सद्या नहीं सामोल जाके सो गया फिर प्रभु दी आत्मा दी शक्ति परमेश्वर ने फिर सामोल नूं बुलाया सामोल उठ के किधे कोल गया एली कोल गया एली ने आ गया मैं तेनू नहीं सद्या तू जाके सो जाओ तीसरी वारी भी प्रभु दी आवाज आ गई फिर सामूल दे कोल एली दे कोल गया सामूल एली ने आख्या मैं तेनू सद्या नहीं सचों जी खुदा दी आवाज है हालेलुया हालेलुया ये परमेश्वर दी आवाज है वचन कहता है 14 वारी 4th टाइम 14 वारी परमेश्वर दी आवाज आ गई उदे पहले तीसरी आवाज दे बाद एली ने एक गल आ गया तू बोलना है ए प्रभु मैं तेरा दास सुन रहा किया क्या है मैं तुहाड़ा बोलो सारे दास सुन रहा हालेलुया हालेलुया ध्यान ना सुनना जो तीसरी बारी दा बाद 14 वारी परमेश्वर की आवाज आ गई सामूल 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 ने क्या ए प्रभु मैं तेरा दास सुन रहा बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा हूं ध्यान नाल सुना जो परमेश्वर ने सुनिया है सामूल ने किया क्या मैं तेरा दास सुन रहा वचन कहता है सामूल दे उते शक्ति कलिया अते सामूल ने परमेश्वर ने अभिषेक किया हालेलुया हालेलुया जो मादा मरियम दे कोल प्रभु की आवाज आ गया मां मरी ने किया क्या मैं परमेश्वर दे दासी हाँ जिस तरह तुसा ने किया उस तरह मैं तैयार हाँ हालेलुया हालेलुया जिस तरह तुसा ने किया उस तरह करने के लिए मैं तैयार है
माता मरियम ने आख्या मैं प्रभु दी दासी हाँ। दासी जो शब्द है जदों परमेश्वर के कन्ना तक पहुंचिया खुदा ने अपनी आत्मा की शक्ति माता मरियम के उत्ते कलिया था। माता मरियम ने आख्या मेरी आत्मा परमेश्वर की उस्तत करती है। हल्लेलुया हल्लेलुया। जोएल नबी दा ग्रंथ विचों असि पढ़ते हाँ खुदा ने किया क्या मैं अपने दास ते दासियां दे उत्ते आत्मा की शक्ति कलूंगा। मैं इसलिए तुहानू इह गल समझा रहा जदों तुसी भी आ जिते बैठ के बोलेगा ए प्रभु जी मैं तेरी दासी हाँ मैं तेरा दास हाँ जो तुसी बोलेगा मैं करूंगा। सुन लिया खुदा ने तुहाड़े ते आत्मा की शक्ति कलना है। जदों आत्मा की शक्ति आएगी परेशानी खत्म हो जाएगी वरदान मिलेगा बंधन टूटेगा। इसलिए जिन्हें भी पैना भरावा इतने बैठे हैं अज की बोलना है यीशु दे आगे बोलना है की बोलना है हे प्रभु मैं तेरा दास जा मैं तेरी दास ही आज तुहाडे कम करने के लिए तैयार हूं। हल्लेलुया हल्लेलुया। जदों असी परमेश्वर दे कम करने के लिए प्रभु दा दास दासी बन के जो जीना शुरू करेगा वचन की कहता है आज खुदा ने तुहाडे उत्ते अपनी आत्मा की शक्ति कलना। हल्लेलुया हल्लेलुया। दूजा राजा ओदे चार बाद पहले तो असि प्रभु का वचन पढ़ने के लिए जा रहे तो प्रार्थना करो जिन्हों के कोल बाइबल है बाइबल खोल दो। दूजा राजा ओदे पांच बाद जो चार ए तो चार सॉरी दूजा राजा ओदे चार बाद पहले तो असि प्रभु का वचन पढ़ेंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया। वचन पढ़ो नबियों विचों एक नबी जो मर चुका सी उस दी विधवा पत्नी अलीशा कोल आई अते बोली श्रीमान जी तुहाडा दास मेरा पति मर गया है। हालेलुया हालेलुया। वचन सुनया है नबियां विचों ए थोड़ा ध्यान नाल सुनो तां जो खुदा तुहाडी राखी करेगा। वचन कहिंदा है नबियां विचों एक नबी की हो गया सी इहदा मतलब खुदा दी सेवा करन वाला उन्हां विचों एक सेवादार स्वर्गवास हो चुका सी। हालेलुया हालेलुया। तुसी वचन पढ़ना है अगे वचन में चले गया है जदों वो प्राव परमेश्वर दा दास गुजरन तो बगला मरन तो बगला है उस दास ने की कीता कईयां दे कोलों काफी पैसा उधार लिया सी। हालेलुया हालेलुया। की लिया सी पैसा उधार लिया पर उदे बाद प्रभु दा दास सुरगवास हो गया सो परेशानी शुरू हो गई। उदी करवाली जड़ी विधवा है उनु लो तंग करना शुरू हो गया तेरा पति जदो इस धरती उत्ते सी साडे कोलों पैसा उधार लिया है। हल्लेलुया हल्लेलुया। फिर सो सोचिया मैं किस तरह मोड़ना इसलिए वचन की कहता है लोगों ने जिन्हां दे कोलों पैसा उधार लिया ओ आके विधवा अविरत नूं तंग करना शुरू हो गया अते अंत विच सारे बच्चे नूं चुके ले गया दसिया पैसा मोड़ेगा तेनों बच्चा मिलेगा। ए अविरत विधवा अविरत एलीशा कोल पहुंचिया वचन कहता है एलीशा कोल जाके की आखिया एलीशा नूं दसिया की दसिया है मेरा जड़ा पति है वह तेरी सेवा कर रहा सी सेवा करन दा समा की हो गया है सेवा करन दा समा उन्हें कईयां दे कोलों पैसा उधार लिया सी क्योंकि घर विच गरीबी सी पर वो अचानक मर गया है हुण मेरे बच्चे नूं सारे ले गया मैं कल्ले रह गया। हालेलुया हालेलुया। एलीशा सोचिया ए मेरा दास परमेश्वर दी सेवा कर रहा सी ध्यान नाल सुनो वचन एलीशा ने एलीशा दा दिल विच उस विधवा दे उत्ते तरस आ गया क्योंकि उहदा घर वाला प्रभु दा दासी। सुन लिया सारे खुदा दी दासी दास बन के जीना शुरू कर। हालेलुया हालेलुया। इस पेन दा घर वाला खुदा दी सेवा करने के लिए मेरा दास बन के प्रभु दी सेवा कर रहा सी एलीशा सोचिया चंगा नहीं है मेरा जड़ा दास जड़ा गुजर चुका है प्रभु दी सेवा कर रहा सी इसलिए एलीशा ने आख्या बहन जी थोड़े घर विच कुछ है। उस बहन ने आख्या मेरे कोल आटा भी नहीं है मैं भुके दो तीन होगा फिर मेरे बच्चे ने सारे उठा के ले गए इसलिए मैं बड़ी दुखी है विधवा है मैं हूं
फिर एलिशा ने कहा और कुछ है तेरे घर विच? बाइबल पढ़ना ठीक है सारे बादू च, हालेलुया हालेलुया। फिर एलिशा उन्होंने आख्या तुहाड़े कोल है कुछ? उन्हें दसिया मेरे कोल कुछ नहीं है। फिर एलिशा ने आख्या तुहाड़े कोल कुछ भी नहीं है? कहिंदे एक छोटी जी शीशी है जिहदे विच तुहाड़ा तेल है, बस ठीक है। एलिशा कहण लगा तू जाओ गुआंढियों दे कोल जाना है, पतीला लेके आना, बड़ा बड़ा प्रांत पतीला लेके आया। एलिशा ने उस विधवे नूं आख्या जड़ी शीशी विच तेल है ओ हौली तुसी पाना शुरू कर। बच्चों बड़ा चमत्कार हो गया, इहनूं कहिंदे आत्मा कम कर रहे। शीशी दा तेल मुकदा नहीं पर पतीला तेल नाल भरना शुरू हो गया, एक भर गया दूजा भर गया सारे भर गया, फिर ही तेल नहीं मुकिया। इस विधवा एलिशा कोल जाके दसिया ए प्रभु दा दास मैं हुण की कर सकता, मेरा सारे पतीला भर गया। एलिशा ने आखिया टेंशन मत लेना क्योंकि तेरा घरवाला प्रभु की सेवा कर रहा सी, सेवा करना जरूरी है तां जो खुदा तुहाडा परिवार ते की करेगा, फिक्र करेगा। एलिशा ने आखिया तेल वेच लो, बेच के पहले की करना अपने बच्चे नू, जिहड़ा पैणा भरावां ने बच्चे नू चक्के ले गया उन्हां नू पहले पैसा दे दो ते बच्चे नू वापस ले लो। ये सारे करन दे बाद फिर तेल रह गया। एलिशा ने आख्या वो तेल वेच लो, अगे जिहड़ा जीवन तुसी इस तेल दा पैसा नाल गुजारो। हालेलुया हालेलुया। मैं इसलिए तुहानू वचन सुनाया जेकर आपां प्रभु दी सेवा करेगा परमेश्वर तुहाडे परिवार ते तरस करेगा। क्यों अजकल माता पिता रोंदा है? क्यों रोंदा है? मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरी नूह बिगड़ गई, मेरे घर वाला, क्योंकि अपा सच्चे दिलों परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे। सेवा करेगा छोटी शीशी विचो इन्ना बड़ा चमत्कार परमेश्वर कर सकता है कि थोड़े घर वाले दे जीवन खुदा ने सुधार नहीं सकता। आत्मा की शक्ति कल के खुदा तो वजह नहीं है। सो इसलिए आज तो लेके फैसला करो ये यीशु मैं तेरी सेवा करन वास्ते तैयार है। सुन लिया सारे? हर एतवार संगत नूं चर्च विच लेके आना शुरू कर, एक दूसरे नूं प्रेरणा दे दो पाप सिहार करने के लिए। जड़ा शराब पींदा है उन्हां दे लिए तुसी खुदा देगा अरदास शुरू करो शराब छड़ने के लिए। जदों असी सच्चे दिलों प्रभु की सेवा करेगा मैं कहिंदा हां थोड़े परिवार उत्ते पवित्र आत्मा की शक्ति कम करेगा। हालेलुया हालेलुया। उच्ची बोलो सारे हालेलुया हालेलुया। सो इसलिए आज तो लेके तुसी सारे फैसला कर लो मैं की करना है, मैं परमेश्वर की सेवा विच लगे रहना, मैं और कोई कम नहीं करना, मैं खुदा की सेवा विच ही लगे रहना। हालेलुया हालेलुया। आज तुसी भी प्रार्थना करो जिदा वचन विचो आज असी सुनिया है परमेश्वर की आत्मा आज तुहाडे उत्ते कम करेगा। विधवा औरत नूं देखो प्रभु ने उन्हां दे परिवार दे आत्मा दी शक्ति गलिया कदों गलिया? जदों प्रभु दा दास बन चुका सी। हालेलुया हालेलुया। ध्यान ना सुनना आज तो लेके प्रभु यीशु मसीह दा दास ते दासी बन के तुरना शुरू करो तां जो परमेश्वर दी आत्मा दी शक्ति साडे उत्ते कम करेगा। हालेलुया हालेलुया। थोड़ी उच्ची बोलो हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति होवे। वो आज तो लेके पवित्र आत्मा दी शक्ति नु पाने के लिए वचन पढ़ो शिष्य दी संद चेलें दे करते हो दी नौ बात दी नौ एतो से प्रभु दा वचन पढ़ना है। पवित्र आत्मा दी शक्ति नु पाने के लिए आप लोग प्रार्थना शुरू करो, थोड़ियां कमजोरियां दूर हो जाएगी। मैनु नहीं पता कौन इत्थे आए सी आज, एक भैन उदे पूरा शरीर ते जख्म सी, वो आ गया पठाला साइड तो आया सी। जो जख्म सी कल दी प्रार्थना विच मैनू कहिंदा देखो फार जी मेरा जख्म सारे सुकिया। हालेलुया हालेलुया। मैं उन्हें दसिया सी तुसी अपना फोटो भेज दो पर हुण तक नहीं पहुंचिया। सो देखो परमेश्वर ने की चमत्कार किया, इत्थे बैठे बैठे वह मैनू कहिंदा इधर मेरा पूरा साइड ते जख्म सी, मैं एक पासे भी इत्थे बैठे रहिंदा सी, कल वापस चल गया, तुरन दे वापस जान दा समा मेरा जख्म सारे सुक गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। हाथ उड़ा के ताली बजाइए हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते कम करे, पवित्र आत्मा दी शक्ति तुहाडे उत्ते कलेगा। वचन पढ़ो शिष्य जी
जो योगनाथ दी अंजील संधि योगनाथ दी अंजील ओदे ओदे 14 बाद दी 15 ये तो से प्रभु दा वचन पढ़ रहे हालेलुया हालेलुया थोड़ी उच्ची बोलो हालेलुया हालेलुया जेकर तुसी मेनू प्यार करते हो वचन की कहंदे जेकर तुसी खुदा नु प्यार करते हो ता परमेश्वर ने की करना है आगे वचन पढ़ो तुसी मेरीयां आज्ञावां दा हां मेरे वचन नु दे उत्ते चलेगा मेरी आज्ञावां नु पालन करेगा अगे वचन कहंदा है जेकर तू मेरी आज्ञावां नु पालन करेगा फिर की होना मैं अपने मददगार यानी पवित्र आत्मा तुम्हारे उत्ते कलूंगा इदा मतलब की है पवित्र आत्मा नु पाने के लिए परमेश्वर दा वचन उत्ते चलना जरूरी है शराब पींदे रहेगा परमेश्वर ने तुहानु छुटकारा नहीं देना प्रभु की आत्मा तुहाडे उत्ते नहीं कलना गलत रास्ते उत्ते तुरेगा गलत कम्मां विच रहेगा प्रभु की आत्मा तुहाडे उत्ते कम नहीं करेगा हालेलुया हालेलुया एक मिनट खड़े जाइए योगनाथ दी अंजीलो दे 4 बाद दी पहले तो सिवरदिया समरिया औरत ने जदों यीशु मिलिया है यीशु ने आख्या तू पहले जा अपने पति नु की करना है अपने पति नु ले गया उन्हें एकदम झूठ बोला मेनु कोई पति नहीं है उन्हें की बोला है मेनु कोई पति नहीं है हालेलुया हालेलुया यीशु ने दसिया तू झूठ बोला है साडा भी कदी कदी इतराव झूठ दी है यीशु ने बोला तू झूठ बोला तू 5 पति कर चुका है हुन जड़ा है ये 6वां है ये सुन के वो अपने पाप नु काबूल कीता कहंदा है सुन लिया सारे जेकर छुपा के रखेगा तुहानू आशीष नहीं मिलना हालेलुया हालेलुया जेकर छुपा के रखेगा तुहानू आशीष नहीं मिलना इसलिए सच्चे दिलो असी पाप स्वीकार करेगा प्रभु दी आत्मा दी शक्ति तुहाडे सारयां दे उत्ते कम करेगा हालेलुया 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 उच्ची बोलो हालेलुया हालेलुया वचन के की कहंदा है जेकर तू देखो उस औरत ने अपनी गलती मान लिया खुदा दी आत्मा दी शक्ति उस औरत ते आ गया कहंदा है देखिया नहीं समरी औरत अपनी गलती मान लिया अते पूरी तरह ओ खुदा दे आगे अपनी गलतियां नु काबूल कीता वचन कहंदा है प्रभु दी आत्मा दी शक्ति उस पेड़ दे उत्ते आ गया उदा मतलब की सी उदे हाथ विच गड़ा सी ओ तल्ले डिग गया हालेलुया हालेलुया उदे मतलब की है जो पवित्र आत्मा की शक्ति आ गई उदी बीमारी तले डिगी जो पवित्र आत्मा की शक्ति आ गई उदी पाप वरन की आदत तले डिगी हालेलुया 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 जड़ा ये विक्टर मैं हुन फोटो लेने के लिए आए था मेनू याद आ गई विक्टर ने मैं विक्टर नु आख्या विक्टर थोड़ी लड़की बाहर जाएगी पर कुछ करना पड़ेगा परमेश्वर का कुछ जो अमृतसर विच एक कन्वेंशन सी मेरा दूसरा कन्वेंशन कदम हो गया खुदा ने मेनू आख्या बस तेरी सेवा परमेश्वर ने कबूल किया मैं उस दिन रात नु विक्टर नु दसिया तेरी लड़की बाहर जाएगी जो पहुंचेगा उन्हें एकदम नौकरी भी मिलेगी हालेलुया हालेलुया बागर मिनट में चल गई देखो अपा प्रभु की सेवा विच लगे रहेगा आत्मा साढ़े विच कम करेगा आत्मा साढ़े विच कम करेगा सो जो प्रभु की सेवा विच लगे रहेगा मैं कहता परमेश्वर की आत्मा साढ़े विच की करेगा कम करेगा था मैं कहता माता पिता ईमानदारी नाल चर्च दे नाल जुड़ के फादर नाल जुड़ के अपने कैटेगिस नाल जुड़ के सिस्टर नाल जुड़ के ईमानदारी नाल खुदा की सेवा करो मैं कहता तुहाडे बच्चे कामयाब होना है तुहाडे बच्चे कामयाब होना वचन कहता है हालेलुया हालेलुया उच्ची बोलो सारे हालेलुया हालेलुया यीशु तेरी स्तुति होए यीशु तेरी स्तुति होए इस औरत ने अपनी गलती नु काबूल किया प्रभु दी आत्मा दी शक्ति समरिया औरत ते आ गया अगे वचन की कहंदे जदो आत्मा दी शक्ति आ गई ध्यान ना सुनना उदे हाथ जो कड़ा सी तले डिग गया वो कड़ा टूट गया इदा मतलब पता की उदी जड़ी बुरी आदत सी नो वो सारे टूट गई पाप करन दी आदत टूट गई प्रभु दी आत्मा दी शक्ति आएगी ध्यान नाल सुनना शराब पीण दी आदत टूटना है गंदी आदत टूटना है नशा करन दी आदत टूटना है जो पवित्र आत्मा दी शक्ति आएगी हालेलुया हालेलुया नहीं तो तुसी मेरू कहंदा है भाजे
चढ़ता हफ्ते बाद दोबारा पीना शुरू हो गया, क्योंकि आत्मा दी शक्ति नहीं आ गई, आत्मा दी शक्ति नहीं आ गई। हालेलुया हालेलुया, थोड़ी ऊंची बोलो हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति होवे, हालेलुया हालेलुया। नालू सवृतने की किता भजन की किंदा है, पापरी जीवनो चढ़ता, इदा मतलब शराब चढ़ता, नशा चढ़ता, गंदी आदत नो चढ़ता, भजन की किंदा आगे याद है किसे नु, ओ पिंडा मिच सागर विच हर वेड़े विच गया के लोगानु दस्तता है, यीशु मसीह ने मेनू नवा जीवन दिता, मेरी जिंदगी द्वारे यीशु ने सब कुछ दस्तता है। वो सुन के सारे ने आख्या तू भी जाओ, साड़ी आदत बोल के साड़े को लोगानु कट्ठे करन दी आदत है, देखिया नहीं, तू भी यीशु को जाओ जो यीशु ने मेनू नवा जीवन दिता। सोई दा मतलब उस पापी औरत इतना पाप दी गुलामी विच रहंदा सी, उस औरत की बन चुका, प्रचारक बन चुका सी। हालेलुया हालेलुया, सारे भेणा भरावा अपने चर्च दा नाल जुड़ के प्रभु दी सेवा विच लगे रहना, मैं कहंदा इधर उधर दौड़ना बंद करना, परमेश्वर नाल जुड़े रहना, यीशु दा नाल जुड़े रहो, पाक मास दी कुर्बानी विच हिस्सा लेना शुरू करो। कईयां दी आदत है आत्मा कम नहीं करते, इसलिए पाक मास खत्म हो गया चर्च में आ गया। मैं कहता पाक मास से पगले एक घंटा पगले बैठो, प्रार्थना करो, अपने आप नो परमेश्वर दे चरणा में रख के प्रार्थना शुरू करो, खुदा मेरे नवा जीवन दो, रोटी दे रूच अल्थार दे आउन माले प्रवेश नो मेरे दिल विच गल दो, प्रार्थना करना जरूरी है। हाथ उड़ाइए सारे, हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति होवे। तो आज तुसी सारे पवित्र आत्मा दी शक्ति पाने के लिए प्रार्थना करना, आगे पवित्र वचन में लिखा है जेकर पवित्र आत्मा नु पाएगा घर विच कोई परेशानी नहीं आएगी। हालेलुया हालेलुया, उची बोलो हालेलुया हालेलुया। रोमन दे किताब उदी आठ बाधी चौदह, ये तो अस प्रभु का वचन पढ़ रहे, रोमे दे किताब उदी आठ बाधी चौदह, ये तो अस प्रभु का वचन पढ़ रहे। हालेलुया हालेलुया, वचन पढ़ो सिस्टर जी। क्योंकि जेड़े परमेश्वर दे आत्मा दी अगवाई विच चलदे हन, जो परमेश्वर दी आत्मा दी अगवाई विच चलदे हन, अगे वचन पढ़ो, जो परमेश्वर दी आत्मा दी अगवाई चलदे हन, वो सारे परमेश्वर की संतान है। हालेलुया हालेलुया, हाथ उड़ाइए सारे, हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति होवे। प्रार्थना दे लखन विच रहेगा, परमेश्वर दी आत्मा थोड़े सारे अंदर ते काम करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया, जी जना परमेश्वर दा आत्मा दी अगुवाई विच चलते हैं, वो परमेश्वर दा पुत्र है, इदा मतलब की है खुदा दी संतान बनना जरूरी है। संतान कदों बनना है, उदे आत्मा दी अगुवाई विच चलेगा था सी परमेश्वर दी संतान बनना है। इदा मतलब यही है आत्मा दी शक्ति दे मुताबिक तुरना है। अगे योगना दी अंजील उदी पहले बाद दी बारह या तो असी पढ़ते हैं, इसलिए प्रार्थना करो अते प्रभु दी संधान बन के तुरना शुरू करो। हालेलुया हालेलुया, संधि योगना दी अंजील उदी पहले बाद दी बारह ये तो असी प्रभु दा वचन पढ़ते हैं, पर जिन्होंने उसनों स्वीकार किया, किनु स्वीकार किया, यीशु नु स्वीकार किया अते उस उत्ते विश्वास किया, उसने यानी परमेश्वर ने अपनी संतान को अधिकार दिता है। हालेलुया हालेलुया, दो तीन गल्लां ध्यान नाल सुनना, यीशु ते विश्वास रखना, यीशु नु सिहार करना है। हालेलुया हालेलुया, हरे उची बोलो हालेलुया हालेलुया, यीशु ते विश्वास करना है, यीशु ते सिहार करना, यीशु नु सिहार करना, उस उत्ते विश्वास करेगा अपा प्रगति संतान बन चुका है, परमेश्वर दी संतान बन चुका है। हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति होवे। इसलिए वचन कहता है जो रोमे दे किताब दी आठ बाधी चौदह ये तो सुनते हैं, क्योंकि जेड़ा परमेश्वर दा आत्मा दी अगुवाई विच चलता है वो परमेश्वर दा पुत्र है। अगे वचन पढ़ता है, वो आत्मा जेड़ा तुहानू परमेश्वर वालों मिलिया है,
हालेलुया हालेलुया खुदा तो मिले होया परमेश्वर दे आत्मा आज तुहानू की करना है पवित्र आत्मा दी शक्ति नाल परिपूर होने के लिए प्रार्थना करना है इसलिए आगे वचन ध्यान नाल सुनना है सोलह ये तो सुवर्तिया परमेश्वर दे आत्मा वचन ध्यान नाल सुनो परमेश्वर दे आत्मा आ साडिया आत्मा नाल मिलके साकी पर जांदे ये वचन तुसी ध्यान रखना प्रार्थना कर गए प्रार्थना कर गए खुदा दी आत्मा मेरी आत्मा नाल जुड़ना है था अगे वचन की कहते जो मेरी आत्मा नाल जुड़िया फिर की हो गया था असी उसकी संतान का हालेलुया हालेलुया दोबारा वचन पढ़ रहे परमेश्वर दी आत्मा हा साड़ी आत्मा नाल मिलके साकी परता था असी उसकी संतान का फिर जेकर असी उसकी संतान का उस दिया आशीषां दे वारिश भी है समझ लगे मेरी गल खुदा तुम आशीष लेने के लिए प्रार्थना करने का लोड़ नहीं है मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा नाल रलना जुड़ना है उदे लिए पाव स्वीकार करना जरूरी है दिल नू साफ करना जरूरी है जेकर मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा नाल जुड़ गया है ता मैं खुदा की संतान बन चुका है देखो जेकर मैं प्रभु की संतान है उदे हर चीज तो हर तरह की चीज लेने के लिए मैं खुदा का की बन चुका मैं हक्केदार बन चुका उदी संतान बन गया है मंगन का लोड़ नहीं आसरू हाण का लोड़ नहीं तुसी सिर्फ प्रार्थना करना मैं लगातार कहते जेकर चंगा इतराव करेगा आज सचमुच थोड़ी समस्या प्रभु ने दूर करना आत्मा थोड़े उत्ते आना हालेलुया हालेलुया हाँ थोड़ा ये सारे हालेलुया हालेलुया यीशु तेरी स्तुति होवे यीशु तेरी स्तुति होवे हाँ थोड़ा के हालेलुया हालेलुया होवे हाँ थोड़ा ये हालेलुया हालेलुया हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा आज मेरे उत्ते आओ आज मेरे उत्ते आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा आज मेरे उत्ते आओ आज मेरे उत्ते आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा आज मेरा जीवन नु बदल दो आज मेरे जीवन नु बदल दो मेरी जिंदगी नु बदल दो मेरी मेरी परेशानी नो दूर कर मेरी परेशानी नो दूर कर तोड़ दो मेरे बंधन नो तोड़ दो मेरे परिवार के जीवन में चा मेरे परिवार के जीवन में अपनी आत्मा दी शक्ति गले दो तुझे अपनी आत्मा दी शक्ति गले दो हे प्रभु यीशु आज मेरे उत्ते दया कर 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 हालेलुया 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 हाथ उठा के हालेलुया हालेलुया होए हाथ उठा ये हालेलुया हालेलुया हसी को भजन गा के प्रभु दुड़ियाई करेगा यीशु नु बोलो हे यीशु अपनी आत्मा दी मेरे उत्ते गल अपनी आत्मा दी शक्ति मेरे उत्ते गल दो हालेलुया हालेलुया हां थोड़ा ये सारे हालेलुया हालेलुया ये तालियां जाइए मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ए खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ए खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ए खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ए खुदा मैनू यीशु दे लहू दे नाल साफ कर दे ए खुदा मैनू अपनी हाथ उड़ा के दो ये हाथ उड़ा के प्रभु तोड़ जाए करे यीशु हे खुदा दुदा आज मेरे उते अपनी आत्मा दी शक्ति गल दो मेरी कमजोरियां नु दूर कर मेरी परेशानी नु दूर कर जीसो हालेलुया सारे हाथ उड़ाइए भवानी खड़े करो चश्मा बन जावा तेरा ऊंचा कर जाना तेरा 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 चश्मा बन तेरा हाथ उड़ाइए
हालेलुया परदे